जब भी लोग हेल्दी खाना खाने का सोचते हैं उन्हें लगता है कि वो टेस्टी नहीं होगा, बट जब मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। सो ऐसा कौन सा खाना है जो फील टेस्टी भी होगा बट हेल्दी? तो शिल्पा शेट्टी चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ अलग करने की, एक मॉडर्न टेक ऑन इंडियन फूड, और जो आज क्योंकि ईद स्पेशल हम शूट कर रहे हैं तो मुझे बताया नहीं गया था, मैं अपने मैकेनिक के कपड़े पहन के आई हूँ और शिल्पा खोद एकदम पाकिजा की हीरोइन बनकर यहाँ खाना बना रही लिल्ला। और ये जो काफी गर्म इंटरव्यू हो रहा है, काफी काफी गैस पे जो आप लोगों ने माइक रखे है, एक बार देखो इसका शॉट ले लो, फोकस किया जाए, माइक रखे बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्या अलग किया जाए, बिरयानी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मुझे याद है कि हम फिल्म फ्रटर्निटी वाले जो हैं वेट करते हैं कि कब फारा हमें दावत दे और कब हम टूट पड़े उनके यखनी पुलाव पे। तो कोई भी ओकेजन हो, यखनी पुलाव सुपर हिट हमेशा होता है। तो आई थॉट वी शुड हैव इट ऑन द शिल्पा शेट्टी चैनल। और मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज मैंने शिल्पा के लिए आज उन्हें रिवील कर दिया है, रिवीलिंग ब्रेकिंग न्यूज। तो यखनी पुलाव आल्सो इज एडवांटेजेस क्योंकि आज हमने चिकन यखनी बनाया है, और एडवांटेज ये है कि काफ़ी सारे लोग उस दिन पे अगर मटन नहीं खाना चाहते और हेल्दी होना चाहते, बिकॉज आई लव मटन, आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई एम अ मैंगलोरियन, सो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री डिश होगा ईद के दिन पे सर्व करने के लिए। एंड इट टर्न्स आउट सो वेल, और इतना आप लोगों सबको जिनके रोजे नहीं है उनको हम खिला देंगे आज। लेकिन बहुत ही आई थिंक यूएसपी इस डिश का ये है कि ना मैरिनेशन की जरूरत है और बहुत ही कम टाइम में पक जाता है। तो एक्चुअली वी हैव टेकन वी मेड कम टाइम में पकने के लिए या तो मुझे यखनी बनाना पड़ता है या फिर आपको अनु मलिक को बुलाना पड़ता है। कम टाइम में खाना ऐसे पक जाएगा देखो। हाँ, और कोई सवाल? मेरी फेवरेट डिश है शिल्पा शेट्टी, सालों से चली आ रही है ये डिश। अच्छा नहीं, बट मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है कि मैं नहीं खाती। पूछना है कि ये खाना जो आप खाती हैं वो जाता खाना? नहीं, लेकिन मुझे क्लीन खाना अच्छा लगता है। आई नो जो प्रिजर्वेटिव लेडन पैकेट में प्रोसेस्ड, जैसे आज हमने क्लीन बनाया सब, बिल्कुल सब कुछ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आजकल इतने लेजी हो गए लोग के मार्केट से लेके आते हैं रेडीमेड। तो मेरा बस यही मानना है कि फ्रेश खाना बनाया है घी में। आज हमने यखनी पुलाव घी में बनाया है, तो घी से डरे नहीं और क्लीन खाना खाए, घी से ना डरे। और हाँ, बस सेहत को बनाने के लिए आई जस्ट थिंक कि किसी भी किस्म का रिक्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही नहीं बस खाते जाए और कोई मतलब व्यायाम ना करे। तो आई जस्ट थिंक दैट आप योगा करें, आप चलें, स्टेयर्स लें, बस का रुलाई दो चीजें है किसको पसंद है, हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन रही हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर जोड़ के कैटरिंग का अभी बिजनेस शुरू करने वाली हूँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी मैं, बिल्कुल बीआरए एंटरप्राइज के बाद डिस्ट्रीब्यूटर और यखनी पुलाव बहुत अच्छा। इससे मेरे चैनल का क्या लेना देना है बताओ, प्याज फेंक के एक और सवाल ऐसे कि मैं गैस ऑन कर दूंगी इधर। बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा। हां फरा, जैसे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज आपका ईद स्पेशल है तो ईद पे आप लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? ईद पे मैं यहाँ नहीं होंगी, मेरे बच्चों की छुट्टी है और हम दोनों अब्रॉड होंगे। ये लंदन में होगी, मैं न्यूयॉर्क में होंगी, लेकिन हम डेफिनेटली ईद मनाएंगे वहाँ पर। मैं ये यखनी पुलाव बनाऊंगी जरूर, डेफिनेटली 100%। I'll try to make in Central Park and Central Park. Thank you. Eid Mubarak. Eid ke din kis tarah se Eid manate hain kuch bata do. देखो नॉर्मली ईद बड़े तरीके से मनती है घर में, सब लोग आते हैं, शिल्पा आई है, राज आया है, कहाँ जा रही है। लेकिन इस साल क्योंकि बच्चों की छुट्टियां गिर रही है ईद के दिन, तो हम यहाँ पर नहीं होंगे। अदरवाइज मेरे घर पे बहुत
the famous lunches. It is the famous the most amazing. Eid ho nahi ho, I just wait ki kab Farah hame ghar pe bulaye aur hame khana khilaye. Kyunki but inka mereko schedule puchna padta hai kyunki is hafte mein vegetarian hu, is hafte mein vegan hu, is hafte mein gluten free hu, to wo jab unka cheat day aata hai tab main unke liye khana banati hu. Sunday Sunday ke din. Last question. Style Diva, monsoon aa gaya Mumbai mein, aap kya kuch style tips denge ki barishon mein log acche bhi dikhe but still they able to manage their outfit? This only you can do, baby. Take your time. See, I'm just figuring कि बारिश में बारिश में बाहर ना जाएं क्योंकि जैसे ही blow dry करते हैं आप तभी बारिश गिरती है. हाँ बिल्कुल. नहीं I think wear comfortable stuff. What a rubbish stuff. Yeah, just rubber की चप्पल पहने. हाँ ऐसे चप्पल पहने जहाँ पे अगर गीले भी हों आपके पैर तो what a dude आते हैं rubbish. और कपड़ी pants पहने. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है. नहीं हम ऑब्वियसली इट्स अ रबिश थिंग. कौन सी फिल्म ये कब है? दिस इज न्यूज टू मी. सानिया को पूछते हैं मैं आपको बता दूंगी. करेक्ट. मैं हमेशा मस्त रहती हूँ. किसी का नाम मत लेना. स्वस्थ और मस्त रहती है आई थिंक मुझे छोड़ के सभी हैं. आजकल सारे एवरीबॉडी इज फैंटास्टिक लुकिंग. मैं भी कोशिश करती हूँ हर 6 महीने में वेट लूज करने की और फिर ये मुझे खाने के शो पे बुलाती हैं. शिल्पा शेट्टी चैनल के थ्रू आप वो भी अचीव कर सकते हैं. उसमें भी देगा आप उसमें भी प्लान. बट 100% ना. बट आई शिल्पा मुझे 21 डे का प्लान दे रही है. बिल्कुल. हाँ जो मैं होपफुली 2-3 दिन तक रखूंगी. यही प्रॉब्लम है. डिसिप्लिन नहीं है. ठीक है. ओके थैंक यू. ईद मुबारक. एंड के लिए यू वन स्वस्थ रहो मस्त रहो फॉर देम. हु वांट्स टू हु इज नॉन वेजिटेरियन. हां मैं मानती हूं. हां डू वन स्वस्थ रहो मस्त रहो फॉर देम. रेडी रेडी स्वस्थ रहो. 1 2 3 नो सॉरी. रेडी 1 रेडी मुबारक. 1 2 3 स्वस्थ रहो मस्त रहो. फिर से ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक और स्वस्थ रहो मस्त रहो. ओके 1 2 3 ईद मुबारक और स्वस्थ रहो मस्त रहो.